The Daily Show with Muneer Memon. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की तारीख में जहां पे हम सियासत की बात करें, वहीं पे इस वक्त अदलिया का किरदार बड़ा अहम नज़र आता है। जहां पे इस वक्त सियासत का बाजार गर्म है, तो वहीं पे अदलिया अपना काम करती हुई नज़र आ रही है। और जो खान साहब ने कुछ दिनों पहले जो रिमार्क्स दिए थे अपने जलसे के दौरान, उन रिमार्क्स की वजह से खान साहब इस वक्त अदलिया के हवाले से ज़रा परेशानी में नज़र आते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जनाब अथर मिल्ला साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के जानिब से ये केस की समाअत की जा रही है, जिसमें खान साहब ने जो रिमार्क्स दिए थे उसके ऊपर फैसला आना है। एक बार फिर से इस केस के हवाले से खान साहब को मोहलत दी गई है कि और कहा गया है कि वो अपना तहरीरी जवाब जमा कराएं, जिसको जवाब जमा कराने के लिए खान साहब को मजीद 1 हफ्ते की मोहलत दी गई। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या सूरत हाल है और अंदरूनी मामला क्या है, इस हवाले से हमें बात करने ज्वाइन करें जनाब MM आलम साहब, सीनियर सहाफ़ी तजयकार, इनसे जानते हैं कि जो सूरत हाल है किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। MM आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासत के लिए, जहाँ पे एक तबका नजरें टिकाए बैठा है कि माजी में जिस तरीके से बड़े बड़े पार्टी के हेड्स के हवाले से फैसले आए, इस तरह का फैसला आ सकता है, तो दूसरी जानब कुछ लोग बात कर रहे हैं कि अदलिया है या इंस्टीट्यूशन हैं उनको अपना मिजाज नरम रखते हुए दरगुजर करना होगा या करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है इस केस के अंदर क्या सूरत हाल होती हुई नजर आ रही है? जी बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। देखें, ये तो तोहीन अदालत का शो कॉज नोटिस था जिसपे खान साहब को तलब किया गया, ठीक है, और उस पे खान साहब के पास एक रेमेडी थी कि खान साहब जो है आते और आके माजर कर लेते। हेलो। जी 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 जी, मैं मालूम साहब, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा ठीक, खान साहब के लिए तोहीन अदालत के जितने पहले माजी में केसेस हुए हैं उसमें तरीकेकार यही रहा है अदालतों का कि शोकाज दिया, उस पे शोकाज पर आए और आके माजत कर ली कि हम अपने अल्फाज वापस देते हैं। सही, हमने अदालत की तोहीन नहीं की, मकसूद तोहीन करना नहीं था। अब उस पे अदालत की सवाबदीद है कि अदालत उस पे उनकी माजत को कबूल करे या ना करे। अब इमरान खान साहब पेश हुए और इसकी तवक्को भी की जा रही थी कि वो माजरत नहीं करेंगे, क्योंकि उनका आज भी मौकफ यही है कि शहबाज गिल ने अपनी तकलीफ बताई कि मुझे करंट लगाया गया है और मुझ पर तशद्दुद हुआ है, जिनसे तशद्दुद, उसके बावजूद जज साहब ने, जज साहिबा ने रिमांड पे पुलिस को दे दिया। मैं समझता हूं कि ये अदालती प्रैक्टिस में गलत प्रैक्टिस हुई थी। इमरान खान साहब का जज साहिबा का नाम लेके एक जुमला कहना अलग बात है, लेकिन हकीकत यह है कि जो जज साहिबा ने की थी दोबारा रिमांड में पुलिस के कस्टडी में देने की, वो गलत थी। उस प्रैक्टिस का नुकसान हुआ और ये प्रैक्टिस जो है मुल्क में हर शख्स के साथ होती है, वो तो इतना बड़ा आदमी था उसके साथ भी हो गई, लेकिन हमारे अदलिया को भी सोचना पड़ेगा कि भाई इमरान खान पे आप तो इन्हें अदालत अगर लगा देते हैं, 3-4 तो पहले भी लगा चुके हैं, तो ये तो आप इसको इससे सिस्टम से ही नहीं कर सकते, आपको सिस्टम से ही करना पड़ेगा। तो इन्हें अदालत क्यों लगाई इमरान खान ने, क्यों ऐसे वर्डिंग की, क्योंकि इमरान खान का एक चहिता और करीब तरीन शख्स जब उसके बारे में इमरान खान ने समझा तो जिनसे तशद्दुद हुआ है तो उससे रहा नहीं गया और जज्बात ने वो अल्फाज अदा कर दिए। अब कल इमरान खान साहब अगर आके कह रहे थे कि भाई मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब समझते ही नहीं है कि मैंने गलत कहा है, तो वो माजरत किस बात की करें, उनकी अपनी सोच है। मैं अपनी बात खान साहब का अगर अमूमी तौर पर पीटीआई का जो चांस देखे तो वो ये कह रहे हैं कि हमने धमकी जान से मारने की नहीं दी, खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचाने की नहीं दी, हमने धमकी दी है, अदालती कार्रवाई की जाएगी, उनका स्टांस तो ये है। अब तो ये अदालत और खान साहब के दरमियान ही मामला है जी, क्योंकि उमूमन होता ऐसा ही है कि अगर कोई शख्स ये धमकी देता है और बाद में वो रिवाइव कर ले अपने फैसले, अपने जुमले का रिव्यू कर ले कि नहीं मेरा मकसद धमकी देना नहीं था, तो बात तकरीबन खत्म हो जाती है जी। जो हमारा मजहब भी यही कहता है, और लेकिन ये बात तो कही गई है MM आलम साहब के जो मकसद है वो मकसद बयान किया गया है कि मकसद क्या था और उसको इसकी इंटरप्रिटेशन किस अंदाज से की गई है, तो मकसद तो बयान किया गया है उस जवाब में जो तहरीरी जवाब जमा कराया। असल में इमरान खान साहब जो है ना, वो जिद्दी किस्म के आदमी है, और मैं आपको अभी वाजे कर रहा हूँ कि वो माफी नहीं मांगेंगे आइंदा भी। अब क्योंकि उनको शौकार के जवाब में जब बुलाया गया, उनको वो आए
और आके पेश हो गए। शोकाज तो फिर पेश होने के लिए था, इन पर्सन पेश होने के लिए। जी जी। इन पर्सन पेश होने के बाद उन्होंने माफी नहीं मांगी। जब माफी नहीं मांगी तो फिर उनको 7 दिन का टाइम दे दिया गया कि अब जो बात होगी वो तहरीरी होगी, आप अपना तहरीरी जवाब लिख के दें। तो तहरीरी जवाब में वकीला जो है उनके गोल मोल बात करेंगे, और बात गोल मोल करनी भी चाहिए क्योंकि इमरान खान साहब अगर इसमें स्टैंड लेते हैं कि जी मैंने जो बात कही थी वो दुरुस्त है, तब तो उन पर तोहीन अदालत लग जाएगी। अगर वो कहते हैं कि मैंने जो बात कही थी, मेरा जो मकसद था कहने का वो धमकी नहीं था, जैसे कि आज 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 जो एसीसी कोर्ट के अंदर हेयरिंग हुई है, पहले तो दरखास्त दी गई कि हमारी जान को इमरान खान इमरान साहब की जान को खतरा है, और वजह दाखिला लेटर भी दिया, वो लेटर भी दिखाया गया, तो वो पहले तो कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को चश्मा मिल जाए, जो कि नहीं मिला, जज साहब ने बुलवा लिया। खान साहब जो इन पर्सन पेश हुए तो जज साहब ने जो आईओ के साथ मुकालमा किया है उसमें आईओ से पूछा कि इन्होंने दहशत गर्दी की, आपने दहशत गर्दी की जो दफात लगाई है इनसे आपने क्या बरामद किया, क्या आपको नजर आया कि इनके खुद का जैकेट थी इनके हाथ में कलेक्शन को की, जज साहब के रिमार्क है। ठीक, उसके बाद जो है अब इस केस की जो प्रोसीडिंग है वो तो आज के रिमार्क के बाद लग रहा है कि वो जल्दी खत्म हो जाएगी, वो तो आगे नहीं चलेगी। अब रह जाती है तौहीन अदालत का मामला। तौहीन अदालत में भी 7 दिन का टाइम जो दिया गया है उसमें वो लिख कर तहरीरी तौर पर दे देंगे कि मैंने अदालत की तौहीन नहीं की, और वो जो वाकया है वो वाकया बयान करेंगे कि शहबाज गिल को कस्टडी में नहीं देना चाहिए था। गालिबन एमएम आलम साहब के साथ लाइन ड्रॉप हो गई है, अगर हम रिकनेक्ट कर सके उनके साथ तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतबार से ना बल्कि पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की जो नजरें हैं इस वक्त खान साहब के इस केस के ऊपर मरकूज हैं। माजी में याद रहे कि अदालती फैसलों के नज़र के वजह से बड़े सारे लोग नाअहल हुए। इसमें अभी रिसेंटली अगर बात की जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम सामने आता है, यूसुफ रजा गिलानी साहब का नाम सामने आता है, और दीगर बड़े सारे ऐसे नाम जो पाकिस्तान की सियासत में बड़ा नाम रखते हैं, बड़ा कद रखते हैं, कदावर शख्सियात हैं, उन सब चेहरों को नाअहल जब किया गया तो उसके बड़े सारे असरात हुए। और इसके अलावा खान साहब के साथ अगर ये मामलात होते हैं तो यकीनी तौर पर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट की है एमएम आलम साहब ने कि जो इस तरीके से आज रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से कि खान साहब के पास से क्या कोई खुदकश जैकेट बरामद हुई या कोई क्लाशनकॉफ बरामद हुई, तो वो जो मामला है वो यकीन तौर पे इस बात की तरफ इशारा तो दे रहा है कि शायद आने वाले दिनों में ये सूरत हाल कदरे बेहतर हो सकती है। हम कोशिश करते हैं कि एमएम आलम साहब को एक बार रिकनेक्ट कर सकें। ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एमएम आलम साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। एमएम आलम साहब जी, आप कुछ फरमा रहे थे। मैं कह रहा था कि जो आज हमने एटीसी कोर्ट में देखा खान साहब के साथ जो पेशी की वक्त जज साहब के रिमार्क्स आए सामने, फिर बाबा रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, उन्होंने जिन नुकात को उठाया और फिर जज साहब ने उसको कंसिडर किया, उससे लग रही है रहा है कि एटीसी की केस में भी जान नहीं है और आगे चल के ये तौहीन अदालत का नोटिस भी वापस ले लिया जाएगा। एमएम आलम साहब ये बात सही हो गई, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें। हमने देखा माजी में बड़े सारे सियासी लीडरान के हवाले से जजेस के फैसले आए, उनको नाहल भी करार दिया गया, क्या उस वक्त के लीडरान में या उस वक्त के जो सियासी लीडरान थे उनमें और खान साहब में ये फर्क है कि खान साहब के साथ आज अवामी मकबूलियत एक बड़े नंबर में मौजूद है जो गालिबन पिछले माजी में नहीं थी किसी हुक्मरान के पास? ये आपकी बात जो है ना 100% दुरुस्त है। देखिए यहाँ पे ये चीज कंसीडर की जा रही है कि जजेस भी सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलरिटी वाला लीडर हम कैसे उसके खिलाफ कोई फैसला देते हैं। लेट सपोज कि अगर आज इमरान खान पे तौहीन अदालत लगा दी जाती और उनको नायल कर दिया जाता जी, तो ये मौका मुनासिब नहीं था। पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, आधे से ज्यादा मुल्क तबाह है, हमारा 70% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है जी,
ऐसी सूरत में आप अनार्की की तरफ भेजते हैं मामले को, इन्होंने 7 दिन डाला। लेकिन ये आप जो बात कर रही हैं, ये बात मैटर करती है कि अदलिया भी सोचने में मजबूर है कि इतनी पॉपुलरिटी वाले लीडर को हम कैसे पनिश कर दें। तो मैं नहीं समझता कि ये अदलिया भी काम कर पाएगी। और एमएम आलम साहब, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि पाकिस्तान में अगर सियासी लीडरान को गद्दार का लकब दे दिया जाए और कुछ तरीके से सजा दे दी जाए, तो ये हमारी सियासत के लिए, हमारी जमहूरियत के लिए भी तो कोई अच्छा प्रेसिडेंस नहीं साबित होगा। देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल मुनीर साहब वादे है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम में एक शख्स भी गद्दार नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, ये बात तय हो जाए, क्योंकि गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने से इस मुल्क में नुकसान भी होगी, नुकसान हुआ है, परेशानियां पैदा हुई हैं। ठीक है, अगर हम आज इस चीज से निकल गए तो मुल्क को तरक्की करके आगे ले जाएंगे, क्योंकि मुल्क को ऐसा नहीं है कि अकेली फौज आगे ले जा सकती है या अकेले जो है पीपल्स पार्टी, नून लीग या तहरीक इंसाफ आगे ले जा सकती है। मुल्क को सबको आगे लेके जाना होगा, एक को लेके जाएगा। दूसरी बात ये जो आपने बात की थी ना कि दीगर लीडर्स को भी पनिशमेंट हुई है तोहीन अदालत में, देखिये तलाल चौधरी, दानियाल चौधरी और निहाल हाशमी, तीनों लाल जो है इनमें और इमरान खान में जमीन और आसमान का फर्क है। बिल्कुल, यानी कि वो इमरान खान की जगह ये जो बात की है, ये बात फवाद चौधरी ने की होती तो फवाद चौधरी पे तोहीन अदालत लग जाती, वो नायल हो जाता। ठीक है, शहबाज गुल होता तो नायल हो जाता, लेकिन इमरान खान का कद उन तीन अफराद के कद से कहीं ज्यादा ऊंचा है। इसलिए अदलिया, वो जो आप बात कर रहे थे वो दुरुस्त है कि अदलिया भी सोच में पड़ी हुई है कि इतने बड़ी पॉपुलरिटी वाले लीडर्स है कैसे हम पनिशमेंट जारी कर दें। और मैं समझता हूँ कि मामला खत्म होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इस तमाम तर अदालती कार्रवाई में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो हाईलाइट भी की जा रही है कि जस्टिस अथर मिनला साहब ने एक रिमार्क्स दिया और गलवन ये कहा जा रहा है कि जो अदालतें 12 बजे जो खुली खान साहब को जब खान साहब जब वजीर आजम के जो सीट से जब उतरे, तो उस हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क्स था कि हम नहीं चाहते कि 12 अक्टूबर वाली जो सिचुएशन है वो दोहराई जाती। सर, ये रिमार्क्स ने काफी कुछ नहीं कह दिया? हाँ, ये मैं आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में Exactly. मैं बहुत पहले बात कर चुका हूँ कि 12 बजे अदालतें जो खोली गई थी वो खोली ही इसी वजह से गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 12 अक्टूबर वाला सीन हो जाए या 3 मार्च वाला सीन हो जाए, जब पाकिस्तान के आइन को सस्पेंड किया गया था मुशर्रफ साहब के साथ जमाने में। तो अदालतें खुली तो यही बात असरुल्लाह साहब ने तो आज बिल्कुल वाजे कर दी, और मैं आपके टीवी प्रोग्राम में पहले कह चुका हूँ ये बात कि अदालतें जो 12 बजे खुली थी वो इस खौफ से खुली थी कि कहीं मुल्क में माशाल्लाह ना लग जाए। और मैंने उस वक्त आपको ये भी कहा था कि अगर माशाल्लाह लगता तो अदालतें इसलिए खुली थी कि वो उस वक्त के आर्मी चीफ के ऑर्डर को सेट असाइड कर देती। तो ये बात तो असरुल्लाह साहब ने वाजे कर दी है, और ये बात ये कहा जाए कि ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि कोई दूसरी कुव्वत आके इसमें अपना हक अदा करती या उसको कोई रोल प्ले करना पड़ता है मजबूरी के तहत या व्हाटसोएवर, तो अदालत ने शायद बर वक्त आके काम किया जो उस वक्त शायद लोगों को ना समझ आ सका। वैसे मुनीर साहब, अगर हम इस वक्त ओवरऑल अपनी फौज का, हमारी फौज की जो क्यादत है उसकी हम स्टडी जो हमने की है उनको, वो इस मूड में बिल्कुल नजर नहीं आते। आज तक की जो फौजी क्यादत है, ये समझ लें सितंबर अक्टूबर और नवंबर तक की भी जो फौजी क्यादत है, वो मुल्क में माशा के की सोच लेके नहीं बैठी। ठीक है, बाजवा साहब इस सोच के आदमी नहीं है, बिल्कुल वो जमहूरियत वो करने वाले, आगे का कुछ पता नहीं है, क्योंकि आगे जिस तरह से अनार्की फैलेगी और अगर कहीं ना कहीं अनार्की फैलेगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो फिर इकदाम उठाने पड़ेंगे। और जो उस वक्त आपने भी उस वक्त इशारा दिया था कि अगर ये उस वक्त अदालतें ना खुलती तो ना जाने उस वक्त मुल्क में क्या कुछ हो जाता, और हमने देखा कि उस रात बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान में लोग सड़कों पे हैं। देखिए, अगर उस रात अदालतें ना खुलती तो इमरान खान साहब अपनी जिद से पीछे नहीं हटते, तो अल्टीमेटली माशाल्लाह था। तो अदालतें जो खुली है, अदालतों को ऐसी है कि किसी ने हुक्म दिया है, अदालतें खौफ से जजेस साहिबान जो है अदालत में आके बैठे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी बिसात लपेट दी जाए और जमहूरी सिस्टम खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उसमें उनको भी नुकसान होता है, फिर उनको भी इस्तीफे देने पड़ते हैं या तो फिर नौकरी करनी पड़ती है फौज की, इस्तीफे देने पड़ते हैं। तो अदालतें तो सब खुली इसीलिए थी कि उनको मुल्क का सिस्टम बचाना था, और वो बचा गए, और इमरान खान साहब की जो जिद है शायद वो उस तरफ ले जाती मामले को। लेकिन अदालतों की हुक्म की बात
तो हर शख्स को सरेंडर करना ही करना है। ठीक हो, अगर आप आइन को ही नहीं मानते हो तो फिर आप मुल्क में रहने का तो फायदा क्या। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया एमएम आलम साहब, आपने अपना मौका दिया और यकीनी तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट था प्रोग्राम। एक ब्रेक शामिल करते जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते, जरा कुछ और सवाल से गुफ्तगू करेंगे और मजीद पहलुओं का जायजा लेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।